हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं यहाँ पर, आप लोग सोच रहे होंगे क्या कर रही हूँ, मैं अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रही हूँ। मैं अपने स्कूल के दिनों में वॉलीबॉल खेला करती थी, तो वही मेरे को याद आ गया अपने ससुराल में। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बेडरूम को वॉलीबॉल का कोर्ट बना लिया जाए, और इस मेरे बेटे की जो बॉल है उसको वॉलीबॉल बना लिया जाए, और कुछ जो पुरानी बिसरी यादें उनको ताज़ा किया जाए। देख लीजिए कैसे मैं बच्चों की तरह एंजॉय कर रही हूँ। और इतना हक तो सभी लेडीज़ का बनता है कि जो उनको करना अच्छा लगता है उनको एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर करना चाहिए। देखिए, इसके बाद हम निकल गए हैं स्टेशन के लिए, क्योंकि मुझे जाना है मेरी मम्मी के घर में। तो हम लोग मतलब अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ये जो ट्रेन आई है इसकी मैंने जो क्लिप है कैप्चर कर ली है। हम कर रहे थे अपनी ट्रेन का इंतज़ार, तो देखिए हमारी ट्रेन भी आ गई है और हम ट्रेन में बैठ गए हैं। ये पहली बार हुआ है कि मैं अकेले जा रही हूँ अपनी मम्मी के यहाँ पे। देखिए, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए, वो बाहर बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद में हम 4 घंटे में अपने घर पहुँच जाते हैं। सुबह 6 बजे की ट्रेन थी, 10:30 बजे हमें गाजियाबाद उतार दिया था। तो हस्बैंड हमारे छोड़ के चले गए हैं, और देखिए ट्रेन में ही हमारे अथर ने देखो कर लिया फ्रेंडशिप। ये जो छोटी सी है इसको पहले तो ये प्यार से इसके साथ में खेलता है, फिर इसको धक्का दे देता है, गिरा देता है। फिर आने मेरी सीट पर आकर बोलता है सॉरी। इनकी मम्मी कहती क्या करा बेटा, तो बोलता है सॉरी। सामने से उनकी मम्मा देख रही हैं। ये दोनों बच्चे आपस में खेल रहे थे, और ये गुड़िया जो है बार बार मेरी सीट पर आ जा रही थी, क्योंकि ये अथर की वजह से। दोनों बच्चे खेल रहे थे आराम से। देखिए हम लोग घर आ गए हैं, और घर में ये अथर जो बैठा हुआ है शॉप पे, वो देखिए कैसे कटोरियों से खेल रहा है, निकाल रहा है, धर रहा है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम नीचे जा रहे हैं, नीचे और गेट को लगा देंगे। नीचे की ओर, और हम बनाएंगे कुछ खाना। एक बार और बोलो नमस्ते। नमस्ते। राउंड 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 राउंड। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? नो 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 नो। ये वाला डिब्बा गिरा रहे थे, अब ये जा रहे हैं रेलगाड़ी बनाते हुए। ये देख लो कैसे जा रहे हैं बच्चे। यहाँ मेरे पापा बैठे हैं। अथर्व, आप किसका हिसाब लगा रहे हो? ऊपर देखिए, चलो मैं जा रही हूँ। यहाँ पर मम्मी बनाने जा रही है पनीर की सब्जी, तो वो एक कढ़ाई में तेल निकालने जा रही है। ये देखो मम्मी डाल रही हैं, ऑयल हो चुका है। डालो मम्मी डालो, अभी चेक कर रही हैं, अभी हुआ नहीं है तेल। अगर ज़्यादा झुनझुने आते तो ये मम्मी ने डाल दिया है। अब इसको हल्के हाथों से मम्मी चलाएंगी, थोड़ा सा जब ब्राउन हो जाएगा तब मम्मी इसकी गैस। देखिए ये हो गया पनीर फ्राई, मम्मी इसको निकाल लेंगी एक प्लेट। मेरी मम्मी को चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे को कॉमेंट करके बताना किस किस की मम्मी को चाय पीना अच्छा लगता है, उनको जब थे तो तब तभी पी लेती हैं चाय। यहाँ पर अथर मांग रहा है पनीर की, मम्मी मुझे पनीर दे दो, तो वही मेरी मम्मी रिप्लाई कर रही है कि इसको दे दो। सब कुछ टमाटर वगैरह मम्मी ने काट के रख लिया है। अब इसमें मम्मी ने डाली है हल्दी, नमक और गरम मसाला। इसको अच्छे से तेल को रिलीज होने तक मम्मी इसको भूनेंगी, उसके बाद में डाल देंगी इसमें पनीर, और पनीर डालने के बाद इसमें डालेंगी मटर। दोनों को आपस में अच्छे से चलाने के बाद उसमें मम्मी ऐड कर देंगी पानी। सब्जी बनके हो गई तैयार। मैंने एक इसको उनके कहते कटोरी में निकाल लिया, और देखिए कुछ इस तरीके से इसकी रंगत आई है, आप देख लीजिए। पनीर की सब्जी है ये। भाई मुझे तो मम्मी के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता होगा, स्पेशली उनको जिनकी की शादी हो गई है।
जी हम याद करते हैं उस चीज को। खाना पीना खा के सब लोग हो गए हैं तैयार सोने के लिए, लेकिन उससे पहले इनके मामा जी आए हैं और इनके मामा जी लाए हैं इनके लिए तीन तीन चीज। तो वही ये देखिए कैसे खुश होकर दिखा रहे हैं की तरह है। मैं बात नहीं तो आज सब लोग कुछ इस तरीके से है और यहीं पर हम करते हैं अपना ब्लॉग का एंड। बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।